हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट बिजनेस। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, डाटा केबल का बिजनेस, तो आप कैसे स्टार्ट करें और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट स्टार्ट बिजनेस, बिकॉज आपको आइडिया होना चाहिए कि जो कंपोनेंट आप यूज कर रहे हैं कैसा कंपोनेंट है। लाइक दैट आपका जो यूएसबी कनेक्टर यूएसबी होता है, उस यूएसबी कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, और जो उसका कनेक्टर यूज करते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी क्वालिटी आपको नॉलेज नहीं रहेगी तो आपको शायद डाटा केबल का बिजनेस करने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अगर यूएसबी की आपको आइडेंटिफाई नहीं रहेगी, यूएसबी यूज करेंगे तो वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा मार्केट में। जो भी आपका डाटा केबल प्रोडक्ट मार्केट में आप उतारेंगे तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहेगा तो आपकी सेल नहीं रहेगी, और उसको आपको विशेष ध्यान देना है। उसके जो वायर हैं, कितने गेज के वायर होने चाहिए, प्योर कॉपर वायर है, कॉपर वायर है या चाइना कॉपर वायर है, ये बहुत आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी, ये पहचान होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ जो भी मतलब जो उसके सोल्डिंग यूज करते हैं, वो भी सोल्डर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छा सोल्डर रहेगा तो आपको जो उसके सोल्डर टाँके मारते हैं तो वो टाँके बनाते समय जब डाटा केबल आप बनाएंगे तो वो ब्रेक नहीं होगा। अगर शोल्डर अच्छा नहीं होगा तो वह ब्रेक हो जाएगा। इन बातों का ध्यान बहुत देना है। और उसके बाद उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट आता है, उसकी टेस्टिंग। सारे प्रोडक्ट आपका जो डाटा केबल कम्प्लीटली बनने के बाद जो भी है, इसे आप प्रॉपरली एक एक पीस चेक करें। आप चेक कर कर ही मार्केट में उतारें, क्योंकि अगर चेक कर कर मार्केट में उतारेंगे, जिससे आपका मार्केट में गए, आपने माल डाला, काउंटर पे गया माल, या कस्टमर ने चेक किया माल, और या जो भी हो शॉपकीपर ने चेक किया, जिससे अगर माल टेस्ट रहेगा तो उसमें कोई खराबीगा नहीं, जिससे आप पर गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर टेस्टिंग नहीं करते हैं आप, और वहाँ जाने के बाद जब वहाँ पे कस्टमर खरीदता है या शॉपकीपर उसे लगा कर चेक करता है, अगर वो नहीं चलता तो वहाँ पर आपको गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे आपकी सेल कम रहेगी, कस्टमर आपसे कटेगा या शॉप कीपर ही माल नहीं आपका सेल करेगा। तो इन चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान देना है। और दोस्तों, इस तरीके के बिजनेस आइडियाज की वीडियो हम लाते रहेंगे, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।